एक बार सत्ता के सिवा रह लूंगा लेकिन राष्ट्रवादी के साथ नहीं जाऊंगा। नहीं नहीं नहीं, ऐसा उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का वक्तव्य वाला ऑडियो क्लिप दिखाकर पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि फडणवीस के ना को हा समझना चाहिए। उद्धव ठाकरे ने ये आपके नागपुर पर कलंक है कहते हुए फडणवीस पर हमला बोला। उन्होंने भाजपा को भ्रष्ट जनता पार्टी के रूप में संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा विपक्ष के नेताओं पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर उनकी छवि मलिन कर रही है, फिर ईडी सीबीआई का उपयोग कर उनके खिलाफ मामले दर्ज किए जा रहे हैं। इसके बाद अगर यह नेता साथ आए तो उन्हें मंत्री बनाया जा रहा है। भाजपा के नेता भ्रष्टाचारियों को जुटाकर पार्टी का विस्तार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि दूसरे दलों को फोड़ने से संघ एवं भाजपा के निष्ठावान कार्यकर्ता नाराज है। उद्धव ठाकरे वसंतराव देशपांडे सभागृह में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे। विधान परिषद के नेता विपक्ष अंबादास दानवे, सांसद विनायक राउत एवं अरविंद सावंत, मिलिंद नार्वेकर, विधायक नितिन देशमुख, पूर्व सांसद प्रकाश जाधव, महानगर प्रमुख प्रमोद मानमोड़े, किशोर कुमेरिया, जिला प्रमुख राजू हरने, देवेंद्र गोडबोले, शहर प्रमुख नितिन तिवारी, दीपक कापसे, सतीश हरडे आदि उपस्थित थे। आपण असं म्हणतो ना, बोले तैसा चाले त्याची वंदावी पावले, बरोबर ना? आपले हे माननीय उपमुख्यमंत्री त्यांचं एक क्लिप आहे, ती तुम्हाला मी ऐकवतो। त्यांमध्ये त्यांनी असं सांगितलं की मी पुन्हा येईन असं बोललो होतो, पण मी एकटा नाही आलो, दोन जणांना घेऊन आलो। पण ते दोन जण कोण आहेत? एनसीपीशी राष्ट्रवादी काँग्रेसशी युती होणं शक्यच नाही। नाही नाही नाही, आपण धर्म नाही, शाश्वत धर्म नाही, कुठलाही धर्म नाही। एक वेळ रिकामे राहू, एक वेळ सत्तेशिवाय राहू, एक वेळ मला कोणीतरी विचारलं तुमचा विवाह होणार आहे का, मी म्हटलं अविवाहित राहणं पसंत करेन, पण राष्ट्रवादी सोबत नाही। एनबीसीएन न्यूज के लिए अजित कुवर के साथ अभिषेक पानसी की रिपोर्ट।